हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेंटली और फिजिकली। उसके साथ ही आपके ब्रेस्ट में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसके थोड़े ही दिन बाद आपके ब्रेस्ट में हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। हार्मोन्स की वजह से ही आपके जो ब्रेस्ट होते हैं उनका साइज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एंड जो आपकी निप्पल्स होती हैं उनके चारों ओर कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड आपकी निप्पल्स भी काफी बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। और इसके साथ ही आपके ब्रेस्ट में दूध बनने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आपको ब्रेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के कुछ वीक्स बाद ही आपके ब्रेस्ट में वसा की परत मोटी हो जाती है, और साथ ही आपके ब्रेस्ट में दूध की ग्रंथियों में नलिकाओं की संख्या भी बढ़ जाती है, और इसके साथ ही ब्लड फ्लो भी तेज हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था का टाइम बढ़ता है, आपके बच्चे का विकास होता जाता है, वैसे वैसे आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन में असंतुलन होता है, और जिस वजह से आपके जो ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही स्टार्ट होती है, वैसे ही आपके ब्रेस्ट में कोलेस्ट्रम नाम का एक तरल पदार्थ का निर्माण शुरू हो जाता है, जो कि हल्का पीला और गाढ़े रंग का होता है। इसको माँ का पहला दूध भी बोला जाता है, और ये जो तरल पदार्थ होता है वो जन्म के बाद में आपके बेबी को पोषित करता है, एंड इसके अलावा आपके बेबी को इन्फेक्शन से बचाने का भी काम करता है। इसीलिए आपको अपने बेबी को जो डिलीवरी के बाद में हल्का पीला पीला पदार्थ आता है उसको जरूर पिलाना चाहिए, वो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी आपके ब्रेस्ट में दर्द रहता है, और जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके ब्रेस्ट में दूध का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, और दूध का निर्माण होने के कारण आपके ब्रेस्ट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय दूध का निर्माण करने वाली कोशिकाएं भी आपके शरीर में विकसित होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इस वजह से आपके आकार बढ़ने के कारण आपको सूजन और दर्द की शिकायत रह सकती है। कई बार कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें आपके ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट यानी कि गांठ पड़ जाती है, जिस वजह से आपके ब्रेस्ट में दर्द और सूजन रह सकती है, और कोमलता आना है, आपके ब्रेस्ट में संवेदनशीलता का बढ़ना, और आपके ब्रेस्ट में सनसनाहट महसूस होना, और आपके ब्रेस्ट में उभरी हुई नसें दिखाई देना, ये सारे लक्षण होते हैं आपके ब्रेस्ट में पेन होने के। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में चलते और सोते समय दर्द होता है तो आप इस समय ब्रा का यूज जरूर करें, और आप इस समय स्पोर्ट्स वाली या फिर मैटरनिटी वाली ब्रा यूज करें। और याद रखें, आपको बहुत टाइट ब्रा नहीं लेनी है, और आप अपने बढ़ते हुए ब्रेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग ढीली ब्रा ही पहने, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप बहुत टाइट ब्रा यूज करती हैं तो आपके दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है, और आप कॉटन की भी ब्रा बिल्कुल यूज कर सकती हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में पेन होना बिल्कुल नॉर्मल होता है, और ये थोड़े समय के बाद अपने आप ही चला जाता है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके ब्रेस्ट में बहुत तेजी से दर्द होता है, और आपकी गांठ में बहुत तेजी से बदलाव आता है, या फिर आपको दर्द या सूजन महसूस होती है गांठ की वजह से बहुत ज्यादा, और आपके ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रॉल के साथ में अगर ब्लड आता है और आपके ब्रेस्ट पर चकत्ते जैसे दिखाई पड़ते हैं, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। ऐसे में आप बिल्कुल भी देरी ना करें।